नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। जम्मू कश्मीर में एक फिर बार लोकतंत्र की जीत हुई है और आर्टिकल 370 हटने के बाद से यहां पर पहली बार एक नए सूर्योदय की संभावना जगी है। डीडीसी इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की नई लीडरशिप सामने आई है और नए जम्मू कश्मीर में आज की सुबह बड़ी उम्मीदों वाली रही है। डीडीसी चुनाव के ज्यादातर नतीजे घोषित हो गए हैं और इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और गुपकार सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। अब तक आए नतीजों के मुताबिक बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, जिसमें कश्मीर की 3 सीटें भी शामिल हैं। यह पहली बार है जब घाटी में कमल खिला है और वहीं बीजेपी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और एनसी को 56 सीटें मिली हैं, जबकि गुपकार गठबंधन अब तक 114 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। तो ये बड़ी बात यह है कि डीडीसी जो चुनाव हुए आर्टिकल 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2018 के जो पंचायत चुनाव हुए थे, 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा है। खास तौर पे घाटी यानी श्रीनगर में अगर 2019 की हम बात करते हैं तो सिर्फ 8% लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं कश्मीर में, श्रीनगर में खास तौर पे, वहां पर 33% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से इन चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजों में बीजेपी को मुस्कुराने का मौका मिल गया है। चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मुश्किल माहौल में कश्मीर घाटी में बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की। यह सीट है श्रीनगर की खोनमोह 2 और यहां के बीजेपी के एजाज हुसैन जीत हासिल करने में कामयाब रहे। बांदीपुरा में एजाज अहमद खान ने जीत हासिल की, जबकि पुलवामा के काकपुरा से मिना लतीफ को जीत मिली है। बड़ी बात यह है कि कश्मीर घाटी में ना तो बीजेपी का कोई विधायक है ना ही सांसद है। पहली बार घाटी के आवाम ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें बीजेपी को घाटी में यानी कश्मीर घाटी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में 3 सीटें मिली है। एक सीट तो श्रीनगर में ही है, काकपुरा जो कि पंपोर का इलाका पड़ता है वहां पर भी बीजेपी ने अगर जीत हासिल की तो बताता है कि जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं था वहां पर बीजेपी आज अपना उम्मीदवार जिताकर लेकर आया है, जो एक बड़ी कामयाबी है पार्टी के लिए। कश्मीर में बीजेपी की ओर से इंजीनियर एजाज हुसैन ने पहली जीत दर्ज की। एजाज हुसैन के बारे में हिंदुस्तान में कम ही लोग जाने होंगे। आपको बताते हैं कि आखिरकार कौन है बीजेपी के जीत हासिल करने वाले ये एजाज हुसैन। डीडीसी चुनाव में कश्मीर से जीतने वाले बीजेपी उम्मीदवार श्रीनगर के बालहमा इलाके के खोनमोह 2 जीत में दर्ज करने में कामयाब रहे हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इंजीनियर एजाज हुसैन पश्चिम बंगाल बीजेपी की युवा इकाई के इंचार्ज भी रहे हैं। एजाज हुसैन स्मार्ट एजुकेशन मिरर मैगजीन के एडिटर भी हैं। तो एक युवा है जिन्हें चुनकर वहां के लोगों ने उन्हें भेजा है डीडीसी के काउंसिल में। यहाँ पे हमारी 64% पोलिंग हुई थी और उसमें हमारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा वोट्स आए हैं। ये एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं, लोग आगे आना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और आने वाले टाइम में यहाँ विकास हो और जो करप्शन बाकी सरकारों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, युवाओं के लिए रोजगार के वसाइल फराहम की जाए और जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी एलाइड इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्रॉपरली काम करेंगे। और मैं वादा देता हूं, आश्वासन देता हूं उन लोगों को जिन्होंने हमें वोट किया कि आपका वोट जाया नहीं होगा, आपने जिन कामों के लिए हमें वोट दिया होगा उन कामों को हम लोग अंजाम देंगे और भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी में नई ऊंचाइयों को लेके और खड़ी करेंगे। और इन चुनाव को लेकर हमसे बात करने के लिए जुड़ गए हमारे संवाददाता मंजूर मीर सीधे श्रीनगर से। मंजूर, नई सुबह है इसलिए नई सुबह है क्योंकि जिस तरह से कश्मीर के आवाम ने, चाहे घाटी के हो या फिर जम्मू के हो, और खास तौर पर घाटी से जहां से आप आते हैं वहां पर उन्होंने जो एक भरोसा जताया है ना सिर्फ डेमोक्रेसी में बल्कि युवा सोच पर और युवाओं पर, उसको लेकर किस तरह का माहौल अभी दिख रहा है और क्या ताज़ा अपडेट आपके पास है चुनावों को लेकर? देखिए अमित, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहले ऐसे चुनाव थे जिसमें काफ़ी उत्साह और जोश जो है लोगों को देखने का मिला। लंबी लंबी कतारों में लोग -7 डिग्री के आसपास तापमान में बाहर निकले और अपने वोट का इस्तेमाल किया और पहली बार ऐसा देखा गया जब इन चुनावों में यूथ ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो निस्संदेह ही लोग एक बदलाव चाहते थे और जम्मू कश्मीर में विकास की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट हो, विकास हो, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, हेल्थ सेक्टर की बात कर रहे थे, तो उसको लेकर लोग जो है बाहर निकले और अपने वोट का
इस्तेमाल किया। और दूसरी बात ये रही कि पहली बार इन चुनावों में बीजेपी ने कश्मीर में जो है अपनी जीत दर्ज की है, और इस जीत की शुरुआत एजाज अहमद ने जो है श्रीनगर से पहली जीत की जो है खबर बीजेपी को मिली, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी। हालांकि 3 सीटें जो है बीजेपी कश्मीर में हासिल करने में कामयाब हो गई है, जो बीजेपी समझती है कि कश्मीर में उनकी एंट्री हो चुकी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो उम्मीद बीजेपी से थी, जिस तरह से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, 3 से ज़्यादा सीटें मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महागठबंधन जो PAGD है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 के मुद्दे को लेकर हावी पड़े, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, वो 110 सीटें जीतने में जो है कामयाब हो गया और एक बहुत बड़ा महागठबंधन बनकर जो है वो सामने आए हैं। लेकिन बीजेपी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बनकर आई है, और लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि उन्होंने कश्मीर में एंट्री की है, आने वाले चुनावों में जो है वो इससे अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जी, जो आप उम्मीद रख रहे हैं शायद यही उम्मीद बीजेपी के नेताओं की अब होगी। वैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी है। नतीजों ने बता दिया है कि वहां का आवाम विकास चाहता है, तभी तो अलगाववाद और आतंकवाद के खिलाफ लोगों ने जमकर बाहर निकलकर वोट किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते लोग कश्मीर घाटी में जमहूरियत की जीत का जश्न मना रहे हैं। कोई नाच रहा है, कोई विक्ट्री सिंबल दिखा रहा है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो जीत के बाद नारेबाजी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के DDC चुनाव यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि वहां की आवाम विकास चाहती है, तभी तो अलगाववाद और आतंकवाद को धत्ता बताकर लोगों ने पहले जमकर वोटिंग की और नतीजे आने के बाद जश्न में डूब गए। हमने इनका वेलकम किया, जीत के आगे है, हमने इनका वेलकम किया। तो क्या उम्मीद है? हम इनसे बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर पर ये नौजवान लीडर है, हम इनसे बहुत उम्मीद है, ये गांव के डेवलपमेंट के लिए आगे आएगा। जो पस मंजर इनका इलाका, जो इनको डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, यूथ इनके साथ है, यूथ इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है ताकि डेवलपमेंट की जो भी कमी थी इलाके में वो पूरी हो जाए। तो आपको लगता है इस इलेक्शन से अब डेवलपमेंट होगा आगे? इंशाल्लाह, हमें उम्मीद तो यही है, उसी मतलब उम्मीद से हम आगे आए हैं कि हम डेवलपमेंट को थोड़ा आगे ले जा सकें। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव था और नतीजों के बाद ये तय हो गया कि DDC का ये चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा। एक तरफ जनता ने खुलकर वोटिंग की तो दूसरी ओर फ्री एंड फेयर चुनाव ने बता दिया कि कश्मीर में आतंक की कोई जगह नहीं। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक DDC चुनाव में गुपकार अलायंस 100 सीट जीतकर सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खास बात यह है कि बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी अपना खाता खोल लिया है, जहां उसे 3 सीट पर जीत मिली है। बीजेपी को 73, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 56, PDP को 26, कांग्रेस को 22, JKAP को 11 और निर्दलीय को 47 सीटें मिली। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है, लिहाजा आंकड़ों में और बदलाव हो सकता है। खास बात यह है कि इस चुनाव में बड़ी संख्या में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की जीत हुई है और इन लोगों ने कई कद्दावर नेताओं को धूल चटा दी है। एक साइड में गुलाम अहमद मीर जो PCC चीफ था वो इलेक्शन लड़ रहा था, एक तरफ से ये शहबाज बाला की आवाम गरीब तरीके से इलेक्शन लड़ रही थी। जरूर उनके जुल्म इतने हो चुके थे, 30 साल से उन्होंने इलाके की आवाम को लूटा है, कोई काम नहीं किया है, बेरोजगार नौजवानों के लिए काम नहीं किया, सड़कें नहीं बनाई, बिजली नहीं गई, कुछ नहीं किया है। तो आज हम लोगों ने ही इलाके शहबाज बाला के लोगों ने गुलाम अहमद मीर को मिनिस्टर भी बनाया था, आज इसी आवाम ने उसको दमाल भी वापस भेज दिया। जो मेरा इलाका है तो वहाँ पे हमारे लिए शाना बशाना लोगों के साथ चलूंगा, मुझे पता है मुझे क्या करना होगा वहाँ पे। मैं वहाँ पे वहाँ का लोकल हूँ, मैं ना कोई पॉलिटिकल घराने से हूँ ना कुछ हूँ, मुझे पता है किस तरह से लोगों से चलना है। मुझे यूथ के लिए अपने जिन्होंने मुझे जिताए उनके लिए काम करना है और क्या करना है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये है कि पहली बार कश्मीर घाटी में उसका खाता खुला है। कश्मीर वैली में बीजेपी अब तक कोई सीट नहीं जीत सकी थी, न लोकसभा और न विधानसभा में, लेकिन इस बार DDC चुनाव में बीजेपी ने श्रीनगर समेत कश्मीर में 3 सीटें जीती हैं। श्रीनगर के बलहामा में बीजेपी के इंजीनियर एजाज हुसैन ने जीत दर्ज की, जबकि गुरेज की तुलैल सीट पर एजाज खान ने गुपकार कैंडिडेट को हराया है।
इसी तरह पुलवामा के काकपुरा में बीजेपी के मिन्हा लतीफ ने बाजी मारी है। यहाँ पे हमारी 64% पोलिंग हुई थी और उसमें हमारे कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा वोट्स आए हैं। ये एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं, लोग आगे आना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और आने वाले टाइम में यहाँ विकास हो और जो करप्शन बाकी सरकारों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, युवाओं के लिए रोजगार के वसाइल फराहम की जाए और जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर जो भी एलाइड इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्रॉपरली काम करेंगे। इस बार कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी, कुलगाम में तो 70% तक वोटिंग हुई। इसीलिए जब चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो कश्मीर की जनता ने जमहूरियत की जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। लोग अपने चहेते उम्मीदवारों की जीत की खुशी में डूबे हुए थे, झूमते गाते नजर आए। अब तक के रुझानों से ये पता चलता है कि DDC चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू समेत कश्मीर की कुछ सीटों पर भी बीजेपी को जीत मिली है। ये पहला मौका है जब घाटी में बीजेपी को जीत मिली है। हम जम्मू में काफ़ी सीट जीते और श्रीनगर में भी हमने कमल खिला दिया है। वोटिंग परसेंटेज में हमें जहां लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम 2.9% वोट हासिल हुआ था आज तक, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डबल डिजिट में हम वोटिंग परसेंटेज में गए। हमने कई इंडिपेंडेंट को भी सपोर्ट किया। 80 सीटों पर घाटी में हम लड़े और उसमें हमें अच्छी सफलता मिली है। कुछ सीटें हैं गुलरेज की और त्राल की, कोई 3 वोट से, कोई 28 वोट से, बहुत कम वोटों से कुछ सीटें हमारी रह गई, लेकिन लोकतंत्र जीता है। भारतीय जनता पार्टी को और देश को इस बात की खुशी है कि यहाँ की आवाम ने जमहूरियत में यकीन रखा है। इस चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी तो दूसरी तरफ 7 पार्टियों का गुपकार गठबंधन था। इस गठबंधन में फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, CPI-CPIM, मुजफ्फर शाह की अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस और जावेद मीर की जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट शामिल थी। इसके अलावा कांग्रेस भी शुरुआत में इस गठबंधन के साथ थी, लेकिन बाद में जब बीजेपी ने विरोध किया तो वो इससे अलग हो गई। DDC चुनाव में गुपकार गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन गुपकार गठबंधन बहुमत से दूर है। अब जब नतीजे सामने हैं तो PDP नेता चुनाव में गड़बड़ी का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। मैनेज करके अगर कोई सीट इनको मिलती भी है, कोई बड़ा कारनामा नहीं है। इनको लोगों ने यहाँ नकारा है, जम्मू कश्मीर में लोगों ने इनको नकारा है। इनको इस चीज़ से सबक सीखना चाहिए कि यहाँ लोग क्या चाहते हैं। ये मुबारकबादी है पीपल्स अलायंस को कि जिनकी कॉल पे, जिनके कहने पे लोग जो है बाहर आए, तो मैं समझता हूँ कि इनको इससे सबक सीखना चाहिए। DDC चुनाव नतीजों से सरहद पार पाकिस्तान को करारा जवाब मिला है। पाकिस्तान ने इन चुनावों को डाउन प्ले करने, हिंसा भड़काने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने समेत कई हरकतें की, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान को 2 टूक संदेश दे दिया कि कश्मीर को अलगाव और आतंक का एजेंडा नहीं, विकास का एजेंडा चाहिए। देवेंद्र पराशर के साथ मंजूर मीर, इंडिया TV, श्रीनगर।